नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव स्ट्रीज को। लगातार चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं जितने महागठबंधन के नेता हों या फिर NDA के जितने बड़े नेता हैं, वो सभी चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। इसी क्रम में कल जीतनराम मांझी पर सवाली निशान खड़े कर दिए हैं जदयू के विधान पार्षद नीरज कुमार ने। उन्होंने साफ साफ ये आरोप लगाया है तेजस्वी यादव पर कि वह नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने जीतनराम मांझी को आगे प्रोजेक्ट किया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। और यदि आप इतना ही इज्जत करते हैं जीतनराम मांझी का, जिस तरीके से दावे भर रहे हैं कि हमने उम्मीदवार बनाया है गया से जीतनराम मांझी को, क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष बना दिया? और आगे और भी क्या क्या सवाल पूछे हैं तेजस्वी यादव से, जरा सुनिएगा नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसा मानक स्थापित किया कि जो एक दिन के लिए अपना सत्ता नहीं छोड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी जरा बताइए, अगर आप अपने आप को कहते हैं कि हम वारिस है राजनीति के, तो माननीय जीतन राम मांझी समाज के महादलित समुदाय के व्यक्ति थे, उनको विपक्ष का नेता क्यों नहीं बनाया? उनको अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन जाते हैं क्याली पुलाव में, तो माननीय जीतन राम मांझी जी क्यों नहीं? अगर आप MP का उम्मीदवार कह रहे हैं कि हमारे बदौलत आप उम्मीदवार बने हैं, तो हम ये तेजस्वी यादव से जानना चाहते हैं कि आप दलितों के सशक्तिकरण की अगर बात करते हैं, तो राज्य अपने आप महागठबंधन का नेता क्यों नहीं घोषित करते हैं बिहार में, यह स्पष्ट है। सर, तेजस्वी यादव ये तेज प्रताप ने जहानाबाद ऊपर चार करने के लिए बोला है। लालू जी का जो पारिवारिक राजनीतिक विरासत व भ्रष्टाचार का, तो जैसा खाइएगा वही हाल होगा। तो जैसा नमक अब नमक अदा हो रहा है, परिवार में बिखराव हो रहा है, जो उदाहरण है पारिवारिक राजनीति का। तब मोटे तौर पर 2019 का जो विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद, कोई जेल में मातम का शंख बजाएंगे, कोई रोड पर बांसुरी बजाएंगे, जनता अब इनको नसीब नहीं होने वाली। आपने सुन लिया किस तरीके से यह कहा गया है कि तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं अपमान किया है। अगर वो कहते हैं कि वो दलितों का हित चाहते हैं, तो क्यों नहीं जीतनराम मांझी को नेता प्रतिपक्ष बनाया? क्यों वो खुद बने रहे और क्यों अभी तक बिहार में महागठबंधन की तरफ से नेता घोषित नहीं किया गया है? जल्द से जल्द नेता घोषित करें। और जीतनराम मांझी पर कटाक्ष करते हुए क्या कुछ कहा है, तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए क्या कुछ कहा, आपने सुन लिया है। आने वाले समय में क्या इसका पलटवार निकल के आएगा राजद के सभी नेताओं की तरफ से, शीर्ष नेता जो है राजद के, क्या वो इस पर कुछ सफाई देंगे या फिर हम के नेता ही इस पर कोई जवाब देंगे? आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।